ओके चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम अभी रूस्टर को कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए सबसे पहले हम लोग सिर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला कलर जो मैं लगा रहा हूँ वो ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर हम पूरे सिर में लगाएंगे और उसे यहाँ तक हम लगा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पोर्शन जो है वो ये, इसे भी हम ऑरेंज करेंगे। और ये जो ऊपर का क्रेस्ट है इसे भी। अब ये ऑरेंज कलर थोड़ा बेस कलर की तरह काम करेगा, इसके ऊपर हम जितना रेड कलर लगाएंगे वो नीचे लाइट टोन जो बनेगा कलर का उसका ये काम करेगा। इसके बाद मैं लाल कलर ले रहा हूँ, रेड कलर। अब आप देखिए जो आँख है उसके आसपास मैं सबसे पहले रेड कलर लगा रहा हूँ, ऐसे सर्कल बनाता हूँ। फिर ये थोड़ी सी शेडिंग होती है, उसी तरीके से मैं ये शेडिंग करता जाऊँगा पूरा। आपको ऑरेंज कलर मिटाना भी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। इस तरीके से ये पोर्शन हम डार्क करेंगे और धीरे धीरे नीचे आएगा तो हल्का सा लाइट। देखिए थोड़ा ऑरेंज कलर झलक रहा है। अब ये क्रेस्ट में हम अगर कलर करते हैं तो हमें नीचे जो रूट है उसका बेस है उसमें कलर करना है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा सा हमें ऑरेंज कलर छोड़ देना है, अच्छा लगेगा। अब इस कलर को डार्क करने के लिए मैं ये मरून कलर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए मरून कलर लगाने के बाद ये कितना डार्क हो गया, देखो डार्क टोन आ गया था। तीन टोन दिख रहे हैं आपको, रेड कलर, ऑरेंज कलर और मरून कलर। आप केवल रेड लगाओगे तो ये टोन्स आपको मिलेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क टोन कर रहे हैं, एंड लिटिल बिट हियर ऑल्सो वी कैन अप्लाई दिस मरून कलर जस्ट टू मेक इट थ्री डायमेंशनल। थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल वो लगेगा, टच आएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा वाइट कलर लेके लाइट कलर की शेडिंग कर सकते हैं, लिटिल बिट ऑफ वाइट, थोड़ा सा ये, ओके। यहाँ पे भी थोड़ा सा कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब हम चोच की तरफ जाएंगे। चोच इसकी लाइट येलो कलर की होती है, तो मैं ये कलर जो मैंने लगाया वो है येलो ऑकर। अब मैं येलो ऑकर पे थोड़ा सा वाइट कलर करता हूँ और नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्राउन कलर देता हूँ। नीचे की चोच थोड़ी डार्क करता हूँ, ऊपर की मैं लाइट छोड़ता हूँ। ये हो गया। जो मुर्गे की आँख है वो मैं अब स्केच पेन से कर रहा हूँ, गोल करना आपको सर्कल, बीच में वाइट हाईलाइट छोड़नी है और उस गोल को थोड़ा 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 बड़ा बना दीजिए। तो इस तरफ आपको जो है ना आँख बनानी है। लेकिन ये जो लाइट कलर दिख रहा है वो एक्चुअली मुर्गे में जो रूस्टर है उसके अंदर पीला होता है, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा येलो कलरिश थोड़ा सा टोन दे रहा हूँ। तो ये उसकी आँख कंप्लीट होगी। अब हम लेमन येलो कलर लेंगे और ये जो हमारा पोर्शन है नीचे का इसको हम करते जाएंगे। दिस इज लेमन येलो, ग्रेजुअली करते जाएंगे। तो ये बिट बाय बिट ऊपर का फिनिश किया, अब हम यहाँ पे आ गए नेक के ऊपर। तो ये लेमन येलो के बाद हम थोड़ा बहुत इसके अंदर ऑरेंज कलर को ब्लेंड करेंगे। फिर रेड कलर का काम है, सेम कलर्स जो ऊपर के हैं, केवल यहाँ येलो कलर थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट मतलब ज़्यादा है। ये थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए मैं हल्के हल्के स्ट्रोक्स भी लगा सकता हूँ। और इसी के अंदर हम थोड़ा सा क्लीन करके थोड़ा सा वाइट कलर के भी स्ट्रोक्स दे देंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए थोड़े वाइट कलर के भी स्ट्रोक्स, लेकिन लाइट जहाँ पे गिर रही है लाइट पोर्शन वहीं पे, सब जगह पे नहीं करना है। तो ये पोर्शन हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं नीचे के पोर्शन में। तो नीचे का पोर्शन जो है उसमें एक आपको कलर यूज़ करना है अभी, अल्ट्रा मरीन ब्लू करके, अल्ट्रा मरीन ब्लू। तो ये अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर जो है ये होता है इस तरीके से, प्रशियन ब्लू से थोड़ा सा लाइट होता है। ये अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर मैंने लगा दिया। अब मैं इसी के अंदर थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर में मिक्स कर रहा हूँ। ये लाइट ब्लू कलर मैंने किया।
अब मैं इसी के अंदर थोड़ा सा वायलेट कलर ले रहा हूँ, वायलेट कलर जो होता है। तो ये तीनों ब्लू के फैमिली के ही कलर्स मैं लगा रहा हूँ अभी, आई एम नॉट यूजिंग प्रशियन ब्लू। ओके, तो अब मुझे जो काम करना है वो ब्लैक से है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसी के अंदर थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करना शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए आप, फैदर्स है इसीलिए थोड़े से रंग आपको नीचे के भी दिखाने हैं, और ब्लैक कलर से सारा आप ख़त्म नहीं करोगे, ख़त्म नहीं होना चाहिए रंग आपका। यहाँ हम थोड़ा सा डार्क करेंगे नीचे के साइड में, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा सा ये मिक्स हो गए सारे कलर्स। उसके बाद हम ये वाला एरिया करेंगे। ये एरिया करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा वायलेट या पर्पल कलर, और इसी के अंदर हम थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर। आप देख सकते हैं कितने सारे रंग इस बर्ड के अंदर होते हैं। अब हम इसे भी, जैसे हमने यहाँ ब्लैक से ब्लेंडिंग की है, इसकी भी हम थोड़ी थोड़ी ब्लैक से ब्लेंडिंग करेंगे। ये देख सकते हैं आप, बीच बीच में मैं ब्लैक कलर लगा रहा हूँ। अब थोड़ा सा वाइट कलर लेके इसी के अंदर कहीं कहीं पे इन टोन्स को लाइट करने के लिए, देखिए आप लाइट हो रहे हैं टोन्स, इन टोन्स को लाइट करने के लिए हम थोड़ा सा वाइट कलर से हल्का हल्का शेड दे सकते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत ये रंग बन रहा है। इसी तरीके का रंग हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये ज़्यादा डार्क हो गया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा इसके अंदर लाइट ब्लू से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। ये अब मैं इसके अंदर थोड़े से वाइट के भी स्ट्रोक्स, जैसे नीचे लगाए थे वैसे स्ट्रोक्स लगाऊंगा। तो इसको आपको स्मजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे रंग खूबसूरत दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ये हम करेंगे डार्क रेड। डार्क रेड मतलब प्राइमरी रेड जो हमारा होता है, ये वाला पोर्शन भी हम थोड़ा सा रेड करेंगे। अब इसे डार्क करने के लिए दोबारा मैं मरून कलर का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़े से डार्क टोन आ गए इसके अंदर, ठीक है। एंड जस्ट टू मेक दिस मोर डार्कर आई कैन यूज़ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक, जस्ट थोड़ा सा शेडो करने के लिए। देखिए जहाँ से ये ऑरेंज कलर और ये कलर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा उसके बीच में एक अंतर दे रहा हूँ मैं डिफरेंस लाने के लिए। ये तो दिस इज़ ओके। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे दोबारा यहाँ पे ऑरेंज कलर का काम है। ऑरेंज कलर का, तो ऑरेंज के बाद ऑब्वियसली रेड कलर आएगा, और थोड़ा बहुत मरून आप थोड़ा बहुत जैसे हमने फेस पे किया था वही कलर दे सकते हैं। और उनको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए हम थोड़े वाइट के स्ट्रोक्स भी इसके अंदर लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत वाइट के स्ट्रोक। अब हम ये वाला पोर्शन करेंगे, ये वाला पोर्शन दोबारा से डीप रेड कलर का होगा। ठीक है, इसमें भी हम थोड़ा सा मैरून और थोड़ा सा यहाँ पे हम ऑरेंजिश हल्का सा विथ वाइट लिटिल बिट ऑफ स्ट्रोक्स, वाइट स्ट्रोक्स। ओके, अब हम ये नीचे का पोर्शन करेंगे। ये एक्चुअली थोड़ा सा ग्रेइश और ब्लैकिश दिखाना है, तो मैं थोड़ा सा ग्रे कलर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा उसके अंदर वाइट कलर, और इसी में थोड़ा ब्लैक से फेदर्स वाले थोड़े से स्ट्रोक्स देने के लिए इस तरीके से स्ट्रोक्स टेक्सचर बनाना है एसेंशियली। ये देखिए, इसको आप हल्का हल्का थोड़ा सा ब्लेंड कीजिए एंड डन। अभी हम पैरों पे आते हैं, तो पैर इसके बहुत लाइट, जैसे बिक होती है ना उसी कलर के होते हैं, तो हम बिल्कुल लाइट येलो ऑकर कलर पहले देंगे। येलो ऑकर दिया, आप उसको थोड़ा सा लाइट कीजिए वाइट लगा के,
ठीक है, लाइट टोन आ गया। अब इसी को थोड़ा डार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे, ब्राउन। और फिनिशिंग अगर करनी है तो थोड़ी सी ब्लैक से, क्योंकि इसमें इस तरीके से ऐसे लाइंस होती हैं, इस तरीके से खूब लाइंस इसके पैर पे होती है। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया। हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला पोर्शन अगेन इट इज़ ऑरेंजेस लिटिल बिट एंड यू कैन मिक्स लिटिल बिट ऑफ लेमन येलो। तो ये दो कलर्स हैं यहाँ पे। इसका थोड़ा डार्क टोन हम करेंगे, नीचे नीचे से स्ट्रोक्स लगाएंगे इस तरीके से, रेड एंड लिटिल बिट ऑफ मैरून। ओके, यू कैन ऐड यहाँ पे भी थोड़े से वाइट के स्ट्रोक्स हम लगा सकते हैं, अच्छा लगता है वाइट कलर के थोड़े से टोन्स आते हैं। तो अब हमारी केवल टेल रहती है, आप देख सकते हैं। तो टेल के लिए खूब सारा ब्लैक कलर लगाना है हमें, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा ब्लू कलर जो है ना, लाइट ब्लू कलर के ये स्ट्रोक्स यहाँ पे लगाएं, क्योंकि क्या होता है, ये ब्लैक कलर जो होते हैं इनके अंदर भी थोड़े कलर होते हैं, और जैसे वो सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। इसके साथ मैं ग्रीन कलर को भी थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ, ये लाइट ब्लू और ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर है, इट्स नॉट लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो दिस टू कलर्स आई विल ब्लेंड लाइक दिस, ठीक है। एंड नाउ जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, आई विल यूज़ प्रशियन ब्लू, थोड़ा सा इसको टोन ब्लूइश थोड़ा सा आना चाहिए, इसलिए प्रशियन ब्लू। अब हमें ये नीचे जो कलर लगाए वो भी ख़त्म नहीं करने हैं, वो कलर कहीं कहीं पे दिखेंगे, तो आप देख सकते हैं ब्लूइश हो गया। अब हमारा सारा ब्लैक का काम रहता है, तो ब्लैक जो है हम थोड़ा सा ब्लैक कलर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये नीचे आप डार्क करेंगे, ऊपर ये थोड़े से रंग दिखेंगे तो थोड़ा सा टेल बहुत सुंदर लगेगा मुर्गे का। ये आपको ध्यान रखना, ये कलर ख़त्म नहीं होने चाहिए ब्लैक कलर से, थोड़े थोड़े बीच बीच में झांकेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये स्ट्रोक्स आपके इस तरीके से आने चाहिए, पूरा कर्व, ये कर्व होके नीचे की तरफ इस तरीके से जाएगा। ये अब हम इसे थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। थोड़ा सा ये ब्लेंड किया, ये भी मैं कलर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आ गया। एंड थोड़ा सा मैं वाइट कलर से हल्का सा ये हाइलाइट्स जो है इनको और थोड़ा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे ज़मीन का पोर्शन, मिट्टी वाला एरिया, ठीक है। तो मिट्टी बनाने के लिए आप पहले ऑब्वियसली येलो ऑकर लगाओगे, हल्का सा रफ टेक्सचर ऑफ येलो ऑकर। येलो ऑकर में आप थोड़ा बहुत ब्राउन मिला सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप इस येलो ऑकर को पहले ना इस तरीके से वाइट लगा के पहले स्मूथ कीजिए, ठीक है। स्मूथ करने के बाद अब आप डार्क ब्राउन लेके इसके अंदर थोड़ी डिटेलिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ थोड़ी शेडो आप दिखा सकते हो, यहाँ कुछ गिरा हुआ है, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ जो भी होते हैं ज़मीन के ऊपर ये, और इसी के ऊपर जब आप थोड़ा सा ब्लैक कलर करोगे तो ये थोड़े से और अच्छा लगता है, ठीक है। ये और एक दूसरा ब्राउन भी हमारे पास होता है, वो भी आप हल्का फुल्का इसके आसपास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे रफ़ ज़मीन सी लग रही है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नीचे गिरी हुई है, एंड जस्ट टू गिव इट लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा पीछे को टच, हल्का सा हम ग्रीन कलर का ग्रास का थोड़ा सा इफ़ेक्ट
दे सकते हैं। दिस इज जस्ट सपोर्टिव, मेन तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो मुर्गा है, रूस्टर है, ये बस हेल्प करने के लिए, थोड़ा एम्बियंस बनाने के लिए, एनवायरनमेंट माहौल बनाने के लिए। आई थिंक दिस इज इट डन। थैंक यू।